श्रीमान मुकेश जी मुझे सभा बंधन कर माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें और हमें ऐसी आशा करते हैं कि भविष्य में भी इनका लाड प्यार इसी तरह हमारे साथ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दुष्यंत जी। ये एक भारत की बहुत बड़ी अकेडमी है और इसमें बच्चे बैठे हैं। एक मिनट, पांच मिनट के लिए बैठे, पांच मिनट के लिए बैठे। ये एक अकेडमी में प्रोफेसर ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। इन्होंने विद्यालय के विकास के लिए जो 21,000 रुपए दिए हैं, ये विद्यालय का आपका बहुत बहुत आभारी है। ये श्रीमान मोहनलाल जी के भांजे हैं ऐसा कि मुझे बताया गया है और उन्हीं के एक फोन कॉल पर यहाँ पर आए हुए हैं। मोहनलाल जी के एक फोन कॉल पर इन्होंने 21,000 रुपए का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। बोले भारत माता की, भारत माता की। और इसके बाद इन्हीं के साथ में हमारे बीच में आए श्रीमान मुकेश कुमार जी, उनको भी सभा बनाकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां मुकेश जी के सम्मान में। श्रीमान साहब श्रीमान दुष्यंत जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं विद्यालय की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और श्रीमान मुकेश जी के सम्मान में साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर और इस सम्मान की प्रार्थना के बाद में स्थानीय विद्यालय की केवल और केवल बालिकाएं, स्थानीय विद्यालय की केवल बालिकाएं भोजन पंडाल में भोजन करने के लिए पधारेंगे। अभी 2 मिनट के बाद, अभी नहीं केवल 2 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद में सभी बालिकाएं भोजन करने के लिए भोजन पंडाल में पधार सकते। और NSS के विद्यार्थी ध्यान दें, मेरा पीछे आना नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, अपने अपने जो काम आपको दिए गए हैं उन्हें पूरी तरह से अंजाम दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दुष्यंत जी। नमस्कार सभी को, ऑडिबल है? दोस्तों हम लोग भी आप ही की तरह से यहाँ पर पढ़े हुए हैं, यहाँ नहीं लेकिन किसी एक स्कूल के अंदर पढ़े थे और शायद पढ़ाई का एक वैसा रिश्ता है जो शायद मैंने अभी तक बना के रखा हुआ है। ना केवल जॉब की तरफ से सोचूं तो बहुत सारे जॉब हैं जिसके लिए आप लोग सोचते होंगे यहाँ पे बैठ के, जिंदगी में हमें कोई ना कोई एक जॉब है जो जरूर निकालना चाहिए, तो वो काम हमने भी किया। यहाँ बैठ के सोच होती थी कि यार चलो दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना है, खेलना है और स्कूल कुछ टाइम आओ उसके बाद में दोस्तों के साथ में निकल जाओ कभी कहाँ पर, और मामाओं का एरिया है तो इस एरिया में यहाँ पे घूमना फिरना बहुत यादें हैं हमारे यहाँ पर। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली थी जो चीज शायद मैं आज तक नहीं भूल पाया कि जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसके जो सपने होते हैं उन सपनों को पूरा करने का जो टाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके स्कूल से मिल पाता है। और शायद मैंने मेरे स्कूल में जितनी चीजें सीखी थी वो सारी चीजें मैंने मेरे आज तक याद रखी और उन्हीं के चलते मेरे पेरेंट्स और जितने भी रिलेटिव्स हैं सभी का आशीर्वाद रहा। न केवल भारत के जो सर्वोत्तम टॉप लेवल पे जितने जो एग्जाम्स हैं उनको क्लियर करने का मौका मिला, उनको तैयारी किया, खुद ने भी क्लियर किया और बाकी बच्चों को भी तैयार करा था। इनफैक्ट मैं आज भी क्लास 1 ऑफिसर होने के बाद में वो नौकरी छोड़ के आज भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। मजा आता है पढ़ाने में, एक खुशी मिलती है, तो वो चीज आज तक मेरे पास में है। और आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि जितना आप लोगों को सीखने का मौका यहाँ मिलेगा जितना हो सकता है सीखो, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना कि जब मौका मिले आप लोगों को दोबारा रिटर्न करने का, चाहे ये स्कूल हो चाहे सोसाइटी हो, तो उसको रिटर्न जरूर। मैं मेरे लेवल पे बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि कमी रह जाती है लेकिन कोशिश जरूर रहती है। तो आपसे भी उम्मीद यही करूंगा कि अभी अपने सपने देखो पूरा करो, जब तक वो पूरे ना हो जाए तब तक सोना नहीं, और जब वो पूरे हो जाए तो जिन्होंने हमारी हेल्प करी है उन्हें वापस से रिटर्न करना। थैंक यू।